मैं सीधा, क्योंकि मेरे को पता है 5 मिनट का न्यूनतम समय, मेरी बगरू विधानसभा क्षेत्र की जो मांग है उसके ऊपर डायरेक्ट आऊंगा। और मेरे को ये भी पता है कि जिस तरीके से अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जवाब दे रहे थे, यूं कहूं सच कहूं तो झूठ का जनरेटर जिस तरीके से बन के, और इनके लिए 4 लाइनें, विगत सरकार के लिए 4 पंक्ति, नए किरदार आते रहे मगर नाटक वही पुराना चलता रहा, नेता होटलों में आराम करते रहे, आम आदमी घुट घुट के मरता रहा। और आज यहाँ पे तरह तरह के वादे करके हमने ये किया, हमने वो किया, जिस तरीके की बातें हम आपकी बात को सुन रहे थे। उनका जनरेटर जो है ना, प्रताप सिंह जी ने आप लोगों के लिए कहा था, और सदन के अंदर ये शोभा नहीं देता इस प्रकार की बात करने। अब आप हमारे शब्दों को रिपीट मत करो, नए चुन के लेके आओ कोई, ये हटवाओ, ये इसको माननीय मंत्री कार्रवाई में, माननीय सभापति महोदय, सभापति आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि 2013 से 18 के बीच के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बगरू विधानसभा क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम चारणवाला के अंदर, हरमून की नांगल के अंदर जमीन अलॉटमेंट की, बिसलपुर फेज के 2 के अंदर बगरू विधानसभा क्षेत्र के 144 गांव, 1000 से ज्यादा ढाणियां, उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए 3 नवंबर 2016 को आदेश जारी किए, बगरू विधानसभा क्षेत्र को बिसलपुर का पेयजल उपलब्ध हो इसके लिए 18 अगस्त 2017 को DPR बनाने के आदेश दिए, विगत भाजपा सरकार द्वारा बिसलपुर फेज सेकंड के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा का प्रावधान किया, बगरू विधानसभा क्षेत्र को बिसलपुर पेयजल आपूर्ति 23 फरवरी 2018 को आदेश जारी किए। मगर बड़े शर्म की बात है, अभी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आपकी सरकार को चीफ सेक्रेटरी चला रहे, क्यों? आपकी पूर्ववर्ती सरकार के समय ओसिया से आने वाली माननीय विधायक ने आप ही की सरकार के ऊपर कहा था कि PhD मिनिस्टर इज ए रबर स्टाम्प, और सरकार को चीफ सेक्रेटरी चला रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं। आप कहोगे तो इन आंकड़ों को मैं टेबल करूंगा, और आप ही की सरकार की माननीय पूर्व सदस्य ने आप ही की सरकार के खिलाफ बालावाला के अंदर डिगी रोड के ऊपर धरना दिया, और आपके कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे जाते हैं और जाने के बाद में ये कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इसको चालू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा। क्यों, क्या कसूर था बगरू विधानसभा क्षेत्र की उस भोली वाली जनता के साथ में आपने खिलवाड़ किया? मेरा माननीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और जलदाय मंत्री सम्मान्य कन्हैया लाल जी से आग्रह रहेगा कि जो लोग इस बिसलपुर योजना के अंदर राजनीति कर रहे थे, कौन थे वो राजनीतिक लोग, उनका पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि ये योजना बगरू विधानसभा क्षेत्र के डायरेक्ट उन 5 लाख लोगों से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर 30 ग्राम पंचायतें, 2 नगरपालिका और लगभग बगरू शहरी क्षेत्र 104 से लेके 124 तक का जो वार्डों का इसके अंदर एरिया आता है, गोने रोड, लुणियावास, आगरा रोड, खोरी, रोपाड़ा, मच की पीपड़ी, प्रताप नगर, जगतपुरा, टोंक रोड और 144 गांव, 1000 ढाणिया, मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, बिसलपुर योजना से जुड़ी हुई बगरू की जनता के लिए शीघ्र बिसलपुर पेयजल सुनिश्चित हो, इसके लिए जल्द से जल्द कार्य शुरू करके ये योजना जो जनता की योजना थी, जो 13 से 18 के बीच में बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए बनी, माननीय मंत्री महोदय, जो पानी अजमेर गया, किशनगढ़ गया, ब्यावर गया, नावा गया, दोसा गया, और वो पाइपलाइन बगरू के अंदर से जा रही है, बगरू की जनता का क्या कसूर था जो इस योजना को आपने ठंडे बस्ते के अंदर डाला? और मेरा अंत के अंदर, क्योंकि हमारे मंत्री महोदय दयालु है, अंत में यही कहूंगा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आपने मेरे को अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति जी।